हम जा रहे हैं करण जी। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। हम नहीं रुक सकते। देखिए सुमन, यूं हिम्मत मत हारिए, मेरी बात का यकीन कीजिए, हम सब मिलकर दादाजी को मना लेंगे। उनको अगर मानना होता तो वो 17 साल पहले ही मान चुके होते करण जी। दादाजी कभी नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे, उनको मानना ही होगा। जिद छोड़ दीजिए करण जी, इस जिद की वजह से ये घर बिखर कर रह जाएगा। मैं ये सब नहीं समझता और ना समझना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर आपने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। हम दोनों इस घर को छोड़ देंगे। आपने घर छोड़ने की बात सोच भी कैसे ली? आपके जाने के बाद इस घर के लोगों पर क्या बीतेगी? माँ तो शायद दुख से मर ही जाएगी। ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं करण जी? मैं आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो मैं क्या करूं? मैं आपके बिना नहीं जी सकता। नहीं करण जी, तुम्हारा जाना जरूरी है करण जी। अगर हम नहीं जाएंगे तो ये घर टूट के बिखर जाएगा। क्या इस घर के टूटने पर आपको खुशी मिलेगी? क्या यहाँ के लोगों से प्यार नहीं करते हैं आप? प्यार दिलों को जोड़ता है करण जी, तोड़ता नहीं। इसीलिए प्लीज हमें जाने दीजिए। सुमन प्लीज, आप मत जाइए, हम सब मिलकर इस घर को बिखरने से बचा लेंगे। प्लीज प्लीज आप मत जाइए। नहीं करण जी, ये घर हमारे जाने से ही बच सकता है। आपको हमारी कसम, इनसे प्यार करते हैं तो हमें मत रोकिए। अगर मुझे पता होता प्यार इतना बेबस और लाचार बना देता है तो मैं कभी प्यार नहीं करता। कभी प्यार नहीं करता सुमन।